ये क्या करेगा? ये देख रहा है, अगर तूने वीडियो डिलीट नहीं ना की, ये देख। क्या क्या देख? जब सामने आऊंगा तब तेरी सारी बदमाशी निकालूंगा। ठीक है, आना सामने आना, मैं तो इधर ही हूँ। दिखाना दिखाना अपनी तलवार, दिखाना दिखाना तलवार, दिखा ना गाइस। देख रहे हो, मुझे तलवार दिखा रहा है डराने के लिए। एक चीज दिखाओ, ये चेक करो। देखा आप लोगों ने? फिर से दिखाओ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू चैनल आर एंड ब्लॉग्स। कैसी मेरी YouTube फैमिली? होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देख रहे हो, आज का ब्लॉग फिर से जिम से शुरू हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम जिम वाला ब्लॉग डाला था तो आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिखाया। आप लोग बोल रहे थे कि और जिम वाली वीडियोज डालो। तो गाइस अभी मैं सुबह आ गया हूँ बॉक्सिंग करने के लिए, तो चलो मैं अभी जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ और आप लोग भी देख के सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। वैसे आज मैं जिम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़े से ट्राइसेप भी मार लूंगा कि पंप हो जाएंगे, बिकॉज आज हमने कहीं जाना है। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। यहाँ से व्यू चेक कर लो जिम का। ये देखो जिम कितनी प्यारी लग रही है। मॉर्निंग में जिम आने के बहुत फायदे होते हैं। जिम बिल्कुल खाली होती है, देख रहे हो ना? अभी जिम बिल्कुल खाली, आप कुछ भी कर सकते हो, बॉक्सिंग जो भी करना आपको। गाइज आज हम रेजिस्टेंट बैंड पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जैब और क्रॉस की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सेटअप लगा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंट बैंड लगाए हुए हैं दो। ठीक है, तो इस पे जैब और क्रॉस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे हमारे कोच सबील भैया, इधर देखो ऑडियंस को आए बोलो। आए। और जिनको बॉक्सिंग सीखनी है, ठीक है, जिम में आ सकते हो। यहाँ पे कोच है ये। ठीक है, तो इन्हीं की जिम है, कोच के हैं। तो ये हमारी जिम का FN करके जिम का नाम है, तो आप आ सकते हो। तो चलो गाइस अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपके पंचे स्ट्रांग हो सकते हैं। ये आपको बारबेल पकड़नी है, उसको ऐसे से पूरा आगे लेना है, ऐसे स्ट्रेट और वापस पीछे लाना। ये इसके कम से कम आपको 3 सेट करने हैं, 15-15 रेप्स के। जो तो रेप्स गिनता नहीं अभी, ज़्यादा तो जितने भी कम थे। ये आपके पंच को जो फेंकने की पावर को ना बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि देख रहे हो पूरा शोल्डर इन्वॉल्व होता है इसमें, और जो हमारा पंच निकलता है वो निकलता है शोल्डर से। ये देख रहे हो ना, शोल्डर से पंच निकलता है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो पंच और पावर से निकलेंगे आपके। गाइस बॉक्सिंग में आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको एब्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो फाइनली गाइस आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमने खत्म कर दी है। यहाँ पे पंप चेक कर सकते हो आप बॉडी में। मैंने जिम नहीं की, देखो बॉक्सिंग से कितना पंप आ जाता है, देख रहे हो? देखो बॉक्सिंग का पंप, देख रहे हो? सारे मसल्स इंक्लूड होते हैं गाइस बॉक्सिंग के बाद। चलो थोड़ा नीचे करो। तो चलो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मुझे आप लोगों को एक मैसेज देना था। तो गाइस मैसेज ये है कि आप लोगों को पता होगा जो मेरी ऑडियंस है ना वो बेसिकली टीनेज में है, या तो जो लोग टीनेज को एंटर कर रहे हैं ना वो वाली मेरी ऑडियंस है। तो सबील भाई और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा काम यह है कि आपको अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करूँ। ठीक है, तो गाइस जैसा आपको पता है मैं बॉक्सिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, राइडिंग भी करता हूँ, स्टंट्स भी मारता हूँ, पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं स्टंट्स करता हूँ वो प्रैक्टिस मत किया करो घर पर। पर ये जो चीज़ है ना, बॉडी बिल्डिंग करना, अच्छी डाइट खाना, बॉक्सिंग करना, ये चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, तो जिम ज्वाइन करो। जो लोग नहीं जा रहे, जिम ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई ऐसी प्रैक्टिस करो, कोई स्पोर्ट्स करो, जिससे ना आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और आप जो फालतू की चीजें हैं ना, जो ड्रग्स वगैरह है, उनसे दूर रहोगे। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? है ना, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा ये काम है कि मैं जो मेरी ऑडियंस है उनको अच्छी तरीके से गाइड करूँ। तो आज से जिम जाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आना है तो बठिंडी में अपनी जिम है ही है। ठीक है, एड्रेस बता दो थोड़ा। अपना जो जावेद हबीब है ना, हाँ, ऊपर थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है, थर्ड फ्लोर पे हमारी जिम है, तो आप आ सकते हो मेरे साथ ट्रेनिंग करनी अगर आपको। तो
तो चलो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। A few moments later. So guys, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो रहने वाला है अपनी पुरानी KTM RC 390 पे, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा टाइम हो गया है हमने इसको बाहर नहीं निकाला हुआ है। और आपको पता होगा कल इसका क्रैश हो गया था बारिश की वजह से, ये देखो इसकी हालत। तो गाइस आज हम जा रहे हैं इसको रिपेयर भी करवाना, हमें देखते हैं क्या क्या चीज इसकी रिपेयर हो सकती है। वैसे तो मैंने इसकी किट ऑर्डर की है पर किट आने में बहुत टाइम लग रहा है, ये देख रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मैं इसके ऊपर बैठूंगा, ये टूट ना जाए भाई, पूरी सीट हिल रही है, चेक करो। अभी घुमट चलते हैं, देखते हैं इसका क्या क्या रिपेयर हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वाला पार्ट ना, मतलब चेंज तो सब कुछ ही करवाना है, पर अगर ये पहले से पड़ा होगा ना वहाँ पे, इतना सा पार्ट अगर हमें पहले मिल जाएगा तो इसको चेंज करवा देंगे। बाकी अभी देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो चलो गाइस इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं और ये चेक करो इसके टायर की हालत, देखो बर्नआउट मार मार के इसके टायर की देख रहे हो क्या हालत हो गई हुई है, पूरा टायर खत्म हो गया भाई, टायर भी न्यू डलवाना पड़ेगा। फायर बर्नआउट मार के इसका टायर चेंज कर दे, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बोलते हो आप लोग। तो चलो गाइस अब इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो भाई आगे वाइजर ही नहीं है, इसको वाइजर भी डलवाना है यार, वाइजर के बिना बहुत गंदी लगती है ये। सो 1 2 ओ भाई स्टार्ट हो जाएगा सब। लो भाई बैटरी डेड है इसकी, अबे यार इसकी जो बैटरी डेड है अब क्या करें। सो गाइस अब इसको गियर में स्टार्ट करना पड़ेगा, देखते हैं गियर में स्टार्ट होती है कि नहीं। यार ये गाड़ी परेशान ही करती है मेरे को, मैं क्या बोलूं। तो चलो भी मैं पहले मोटर व्लॉगिंग सेटअप पहन लेता हूं, फिर मिलता हूं आप लोगों से। सो गाइस अभी बाइक को लॉन से बाहर तो निकाल लिया है, तो चलो यार अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है गियर में स्टार्ट करते हैं। पता नहीं होगी या नहीं होगी यार, इसको हुआ क्या मुझे समझ नहीं आती है। बैटरी भी न्यू डली हुई है इसमें, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है। और यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ पे लगी है अपनी बीमर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, ये देख रहे हो कितनी बुरी हालत होगी अपनी बीमर की भाई। इतनी मिट्टी इतनी रेत देखो ना इधर से, कितनी रेत आ गई है इसके, एक एक इंच रेत आ गई है इसके ऊपर। हट हट ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, छोड़ धक्का दे मुझे, चल गो लगा जोर से, चल 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 और तेज चल। 1 2 नहीं हुई भाई, हो जा 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 प्लीज। अबे यार अब नहीं होगी, जब ये ऐसे करती है ना फिर स्टार्ट नहीं होती है। हो जा भाई, हो गई शुक्र है गाइस स्टार्ट हो गई। जब ये स्टार्ट नहीं ना होती है, ओ भाई आवाज कितना कर रही है बाइक, ओ भाई पटाखे मार रही है गाइस ये। आपको पता है मैं इस बाइक पे बैठता हूँ ना मुझे पुराना वाला फील आने लगता है कसम से, ये मतलब क्या ही बोलूं यार, इसकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है भाई। रुक जाता पर मेरी बात सुनो यार, ऐसे बीच में मत आया करो कसम से। अभी जैसे आप आए ना बीच में, इसके आगे ब्रेकें नहीं जलती हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर बार ही समझाता हूँ क्या हाल है, ठीक हो, पहले मेरी बात तो सुनो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। ऐसे ना बीच में मत आया करो, किसी किसी की ब्रेक नहीं बचेगी तो किसी पे चढ़ जाए, खुद बताओ आप बड़े हो आप सारे, छोटा तो है नहीं कोई, ठीक है। ध्यान रखो अपना, ठीक हो ना सारे, क्या हाल है, ठीक हो, चलो क्या हाल है, ठीक हो, ध्यान रखो ठीक है। ऐसे बीच में नहीं आया करो मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखा करो, कभी ब्रेक नहीं बजे फिर। गाइज मैं इनको हमेशा समझाता हूँ यार, ऐसे बीच में मत भागा करो, अभी इतनी जोर से भागा ना मेरा कैमरा ऑफ था, कहीं चढ़ जाए यार, इसके आगे ब्रेक नहीं चलती है। 1 2 3 4 को क्या बात है भाई, ब्रेक नहीं बजेगी इसकी, वाह ट्रक रेस लगा रहे हैं ओ भाई ट्रक के पीछे कितनी गर्म हवा आती है भाई, बंदर बंदर ना निकल रहा हो भाई, बंदरों से बहुत डर लगता है मुझे। ये देखो जनाब कहाँ से मोड़ रहे हैं, क्या बात है, ऐसे बेवकूफों की कमी थोड़ी है। ब्लाइंड कर्व के आगे एकदम ऐसे मोड़ रहा होगा, कोई बजेगा आगे इतनी तेज ना, अकल ही नहीं है लोगों को यार भाई। ऐसा लग रहा है रॉकेट नहीं होता वो टेक ऑफ कर रहा है, इतनी खतरनाक आवाज भी कर रही है इसकी भाई। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे को देख के अपना एग्जॉस्ट मत निकाल लेना, ठीक है, जिसके बाद भी PS4 है KTM इंजन सीज मार देगा, ठीक है, तो ये चीज मत करना, पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये क्यों लगाया है भाई, इस साइड क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है आगे तो। ओ भाई ओ रोड ही खत्म हो गई, इधर से नीचे मैं साइड ही चलता हूँ यार, अगले बेवकूफ तो है नहीं जिन्होंने लगाया है। ओ यार पोपट हो गया था अभी। सो गाइस चलो छोटे से स्ट्रेच पे भगाते हैं इसको,
भाई आगे कोई ना आ जाए, ब्रेके नहीं बजेगी, आरआईपी हो जाएगा। अभी चक्कर पता है क्या, जिसको मैं 180 भी ले सकता हूँ पर इसकी ब्रेक नहीं बजेगी, और अगर ब्रेक बजेगी भी ना तो ABS की स्लिप हो जाएगी भाई। वाह यार क्या इंजन बनाया KTM वालों ने, कसम से KTM ने ना जो ये 390 बाइक बनाई थी ना, रूल किया पूरी मार्केट पे। ऐसी बाइक ना कभी बनी है, ना कभी इसके टक्कर की बाइक अब बन सकती है, सीधी जो बात है। PS6 मॉडल तो सारे बेकार लगते हैं मुझे, पर इसके टक्कर की बाइक कोई नहीं बना सकता भाई। KTM ने पूरी मार्केट टेक ओवर कर ली थी जब इसको लॉन्च किया था। आप लोग सोचते हो कि मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, इस बाइक का फील ही अलग है यार। मैंने हर बाइक चलाई, कौन सी बाइक नहीं मैंने चलाई, पर इस बाइक का कुछ अलग ही फील है, इस पर एक अलग सी वाइब आती है भाई। एक चीज दिखाओ, ये चेक करो, देखा आप लोगों ने, फिर से दिखाओ। देख रहे हो आप लोगों ने, बुलेट में देखा होगा, कभी KTM में देखी है चीज। इंजन सीज कर देगा, ये मत करना अपनी बाइक के साथ, ठीक है, पहले बता रहा हूं। देख रहे हो कितनी स्मूथिंग आवाज आ रही है यार। PS4 के इंजन की आवाज ही कुछ अलग है भाई, चेक करो। देख रहे हो? A few inches later. So finally guys, अभी ऐसा सीन है, अभी मेरे को गुम्बट जाना था पर मैंने पिक्की भाई को कॉल किया, वो बोलते हैं भाई जो हमारी किट है ना वो अभी तक आई नहीं हुई है और उनके पास कोई पुरानी भी नहीं पड़ी हुई है, तो फालतू में अभी गुम्बट जाने का कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज आज कुछ भी काम नहीं होगा हमारा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगी अपनी BMW। ओ भाई BMW कहाँ से आ गई, यहाँ पे लगी अपनी KTM RC390, यहाँ पे लगी है ना BMW, मैंने इसको देख के इसको BMW बोल दिया। तो अभी हम कॉन्स में बैठे थे, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, इतनी खतरनाक चीज है। यहाँ पे व्हीली आपने पहले भी देखी होगी मेरे ब्लॉग में, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे है व्हीली और ये है हमारे भाई, कैसे हो आप, ठीक हो, और ये भाई का हमारे का कैफे है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे शरबत मिलता है। नहीं, कौन सा शरबत, सिनेमन शरबत मिलता है गाइज, यहाँ पे एंट्री तभी मिलती है जब शरबत पियोगे आप। सो गाइज यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे व्हीली है एक, आपने हमारे ब्लॉग में पहले भी व्हीली देखी होंगी, ये देखो भाई कितनी USA व्हीली, क्या बात है। तो इसकी थोड़ी अभी हालत खराब है, तो गाइज अभी इसके स्टार्टर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको इसको चला के दिखाता यार, इसकी बैठने की फील देखो, एक मिनट रुको। ये जो चीज है ना, ये चीज बनी पता है किसके लिए, सिर्फ गेड़ी मारने के लिए, इसका और कोई फन नहीं हो सकता, इस पे सिर्फ आपको गेड़ी मारनी है। हाँ सैम फोन करके मेरे को गाली, क्या फोन उठाना उसका, ये देखना क्या हुआ इसको, क्या क्या फोन क्यों उठाया तूने इसका भाई, 200 फोन कर दिया, क्या हुआ बोल, क्या हुआ, तेरे को ब्लॉक नहीं करूं और क्या करूं, मैं तेरे को सीधे तरीके से बोल रहा हूं, वीडियो डिलीट कर दे, तेरे को समझ नहीं आ रही, ब्लॉक करने से क्या होगा, मेरे को जम्मू आने दे, फिर बताऊंगा मैं तेरे को, क्या बताएगा, वीडियो बना, कितनी बनानी है बाबा, बना ले वीडियो, जब सामने आऊंगा तब तेरी सारी बदमाशी निकालूंगा, ठीक है, आना सामने आना, मैं तो इधर ही हूँ, मैं तो इधर ही हूँ, सिधरा हूँ ना, आना आना, मैं तो सिधरा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, आना, इंतजाम किया है मैंने, क्या तेरी सारी बदमाशी निकालूंगा, ठीक है ठीक है, क्या करेगा, ये देख रहे हैं अगर तुमने वीडियो डिलीट नहीं ना की, ये देख, क्या क्या देख, ओ बच्चे, ये तलवार है ना, ये तलवार बच्चों को दिखा जाके, गाइस देख रहे हो, ये देख रहे हो मेरे को तलवारें दिखा रहा है डराने के लिए, दिखाना अपनी तलवार, दिखाना तलवार, दिखा ना गाइस, देख रहे हो मुझे तलवार दिखा रहा है डराने के लिए, साफ लगा रहे हो आप इसका दिमाग, देख रहे हो इसका, और तू आ ना, तूने क्यों उठाया इसका फोन यार, 200 फोन कर दिया इसने मुझे, तू आ ना, जब इसको क्यों फोन कर रहा है तू, तुम्हारी सारी को हरकतें खत्म करूंगा मैं, आने दे मेरे को, तू आ ना जम्मू, आना बस 2 दिन में बाबा, 2 दिन वेट कर, ठीक है, तू 2 दिन नहीं, तू अभी आना, मैं वेट करूं, मैं देखूंगा तू क्या उखाड़ लेगा, हम आ जाते हैं भाई, हम आ जाते हैं, नहीं नहीं तू आ फिर मैं देखता हूं तू क्या उखाड़ लेगा, जो तू बातें कर रहा है ना अभी फोन पे, सुन अब मेरे से फोन पे कोई बात मत करना, तू सीधा मेरे से फेस टू फेस आ, फेस टू फेस हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान में ही रहना, फेस टू फेस ही मिलूंगा तेरे, ठीक है ठीक है, ये लेके आना अपना साथ में, ठीक है, ये साथ लेके आना, ये साथ लेके आना, इसकी जरूरत है मुझे, ठीक है, मेरे को डरा रहा है, चल निकल, अभी फेस टू फेस बात करेंगे, ब्लॉक कर इसको, ऑनलाइन बदमाश, ये ऑनलाइन बदमाश है, आप इसका हिसाब लगा रहे हो, आज मेरे को तलवारें दिखा रहा है भाई, हद हो गई है यार, बचपन ये होते हैं, बच्चे होते हैं ना जो छोटे, उनको ये चीज होती है, क्या हुआ,
गाइस यहाँ पे बकरियां घुस गई कुछ भाई के पौधे खा गए यार शिट। तो इसका नंबर अभी ब्लॉक कर, इसको बोल व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर ले, बोल जो भी बात करनी है ऑनलाइन इधर आके, ऑनलाइन छोड़ इधर आके कर फेस टू फेस। गाइस अभी हम इस पे राइड पे चलते हैं यार अपनी व्हीली पे, पर इसके स्टार्टर में कुछ इशू है। अंदर से आप इसका इंटीरियर चेक करो, ये है इसका स्पीडोमीटर, ये शायद फ्यूल वाला है, ये कौन सा, इधर आना बैटरी, ये बैटरी का है, इस पे बैटरी का भी मीटर होता है। अच्छा ये शो करता है कितनी बैटरी है, अच्छा फ्यूल ये है, अच्छा इंजन ऑयल का भी मीटर है, वाह वाह टेम्परेचर भी है। तो गाइस आप देख रहे हो व्हीली में कितना सिस्टम है, कौन सा मॉडल है ये, ऐसे तो वर्ल्ड वॉर टू का मॉडल है, इसमें इंजन वगैरह सारा 2015 का डला हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन 2015 की है, इंजन नया है बाकी पुरानी है। हाँ, समझ गया। ये आपके जिप्सी को क्या हुआ, आप बोल रहे हो उड़ गई, सुपर बाइक, आप सिद्रा के हाईवे पे खड़े रहोगे ना आपको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी भाई।